नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 14 अक्टूबर से शुरू होगी वित्त मंत्रालय में बजट बनाने की प्रक्रिया। जी हां, आपको बता दें वित्त मंत्रालय 14 अक्टूबर से आम बजट 2020-21 की तैयारियां शुरू कर देगा। इस दौरान मंत्रालय को आर्थिक विकास में सुस्ती और राजस्व संग्रह में कमी जैसे अहम मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2.0 और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों का दूसरा बजट होगा। वही नेक्स्ट अपडेट, बिग बॉस पर बड़ा बवाल, केंद्र सरकार ने की शो पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहे रियलिटी शो बिग बॉस पर रोक लगाने की मांग व्यापारियों ने भी कर दी है। कैट ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र भेजकर टीवी शो के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाने का अनुरोध किया है। कैट ने पत्र में कहा कि इस सीरियल में बेहद अश्लीलता और कुवरता का खुलेआम घिनौना प्रदर्शन किया जा रहा है। वही नेक्स्ट अपडेट, मंदी को झुठलाती दिख रही ई कॉमर्स कंपनियों की सेल, नहीं है ये पूरा सच। जी हां आपको बता दें देश आर्थिक मंदी या फिर सरकार के शब्दों में कहें तो सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। वहीं चार दिन चली ई कॉमर्स कंपनियों की बिक्री ने 26,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। केवल 3 दिन में इन कंपनियों ने 12.6 हजार करोड़ रुपए का सामान पूरे देश में बेच लिया था। कंपनियों ने केवल 750 करोड़ रुपए के प्रीमियम स्मार्टफोन पहले ही दिन बेच दिए थे। यह बिक्री का रिकॉर्ड कहता है कि देश में मंदी की बात करना बेमानी है। हालांकि यह पूरा सच नहीं है, खुद आरबीआई का सर्वे भी मंदी की ओर इशारा कर रहा है। वही नेक्स्ट अपडेट, दिसंबर में ब्याज दर घटा सकता है रिजर्व बैंक। जी हां आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि दिसंबर में केंद्रीय बैंक रेपो दर में 4.25% की कटौती करेगा। वही नेक्स्ट अपडेट, पेट्रोल डीजल लगातार 4th दिन सस्ता, जाने क्या चल रहा है भाव। जी हां आपको बता दें देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार 4th दिन गिरावट आई। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। 4 दिन के दौरान पेट्रोल की कीमत में 72 पैसे प्रति लीटर की कमी आई, जबकि डीजल 46 पैसे घट चुका है। वही नेक्स्ट अपडेट, सैमसंग ने भारत में 30 मिनट में बेचे 1600 गैलेक्सी फोल्ड। जी हां आपको बता दें सैमसंग ने गुरुवार को भारत में अपने फोल्डेबल फोन गैलेक्सी फोल्ड को प्री बुकिंग के लिए उतारा था और सिर्फ 30 मिनट में 1600 फोन की बुकिंग हो गई। बताते चले कि खरीदारों ने गैलेक्सी फोल्ड बुक करने के लिए 1,64,999 रुपए का भुगतान किया, यह भी एक रिकॉर्ड है। ये सभी फोन 20 अक्टूबर को खरीदारों को भेजे जाएंगे। वही नेक्स्ट अपडेट, अगर आप हैं जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यूजर्स तो है अच्छी खबर। जी हां आपको बता दें प्रमुख मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों ने एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार नए प्लान को देखते हुए निकट भविष्य में टैरिफ बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने ग्राहकों को साथ बनाए रखने के लिए लगातार आकर्षक प्लान ला रहा है। इसे देखते हुए दूरसंचार क्षेत्र में प्राइस वार जारी रह सकता है। 3 साल पहले मोबाइल सेवा के क्षेत्र में कदम रखने वाली रिलायंस जियो ने क्रामक नीति के साथ ग्राहक अपने साथ जोड़े हैं। आने वाले महीनों में भी उसके इस ओर अग्रसर रहने की प्रबल संभावना है। वही नेक्स्ट अपडेट, 25 अक्टूबर तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। जी हां आपको बता दें अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो 25 अक्टूबर तक जरूर करा दें। यदि आप ऐसा करने से चूक गए तो सरकार राशन कार्ड से आपका नाम काट देगी। वही नेक्स्ट अपडेट, विंग कमांडर अभिनंदन के 51 स्क्वाडन को मिलेगा सम्मान। एरियल फाइट में पाक ने F-16 को मार गिराया था। जी हां, भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के 51 स्क्वाडन को सम्मानित करने का फैसला किया है। यह सम्मान वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया देंगे। वही नेक्स्ट अपडेट, दिल्ली पर अगले सप्ताह धुएं का हमला, सैटेलाइट से हुआ खुलासा। जी हां आपको बता दें करीब 2.5 महीने में साफ हवा से सांस ले रहे दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। पंजाब और हरियाणा में खेती में पराली जलाने के चलते अगले सप्ताह से दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वही नेक्स्ट अपडेट, पीएम मोदी के लिए आ रहा है एंटी मिसाइल विमान, जाने कैसे करेगा हमले से बचाव। जी हां दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान की तरह मिसाइल हमले को नाकाम करने वाला होगा। प्रधानमंत्री के प्रयोग के लिए लंबी दूरी के 2 बोइंग 777 विमान एयर इंडिया 1 का बेड़ा जून 2020 तक भारत आ जाएगा। इस विमान में एंटी मिसाइल तकनीकें लगी होंगी। यदि अब तक की बड़ी खबर है, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।